पैदा हुए और हम समझते हैं कि अगर हम कराची को संभाल सकते हैं, कराची का हक पहुंचा सकते हैं, कराची का तरक्की करा सकते हैं, तो फिर हम मुल्क भर का तरक्की करा सकेंगे। इस मेहनत में सिंध हुकूमत अपनी जगह, लेकिन टू रियली डिलीवर टू द पीपल ऑफ कराची हमें एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम देना पड़ेगा। और हमारा ख्वाहिश भी यही होगा कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बने और वफाकी सतह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बने। क्योंकि हमने एक लेवल पे ये इंश्योर करना है कि जो हमारा सूबा का हक है, जो हमारा सूबा का शेयर है एनएफसी अवार्ड के मुताबिक, हमारा सेंसस के मुताबिक, हमारा पॉपुलेशन के मुताबिक, वो हमें दिया जाए। अगर हमें बस अपना शेयर मिले उस शेयर के साथ जो हम कराची में काम करके दिखा सकते हैं, इंशाल्लाह ताला वो इस शेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर ये भी ज़रूरी है कि वो काम लोगों के डोर स्टेप पे, आपके डोर स्टेप पे हो। और वो जो काम है वो बल्दियाती निज़ाम का काम है। और मैं समझता हूँ कि सिंध का जो बल्दियाती निज़ाम है वो इवॉल्व हो रहा है। पिछले जो हमारा अभी हुकूमत था सिंध भर में, जो लोकल बॉडी निज़ाम था, ये उनका पहला टेन्योर था जो उन्होंने मुकम्मल किया। और हम वो वाहिद सूबाई हुकूमत थे जिन्होंने अपने बल्दियाती निज़ाम का जो टेन्योर है वो मुकम्मल किया। इसके बावजूद कि जो सबसे बड़ा शहर था वो हमारे मुखालिफ सियासी जमात ने उस लोकल बॉडी निज़ाम पे उनका हुकूमत था, हमने उनका मैंडेट भी रिस्पेक्ट किया। और हमारा ये एक कामयाबी है, सियासी कामयाबी है, निज़ाम का कामयाबी है कि वो निज़ाम ने अपना टर्म पूरा कर लिया। जो नया कानून साजी हुकूमत सिंध की तरफ इस वक्त हो रहा है, जो एवोल्यूशन बल्दियाती निज़ाम का है, वो पिछले निज़ाम से लोकल बॉडीज़ को ज़्यादा कैपेसिटी दे रहे हैं, जहाँ ज़्यादा जिम्मेदारियाँ भी दी जा रही हैं वहाँ उनसे उन पे भी और ज़िम्मेदारी रखा जा रहा है। जैसे कि वो अपने वसाइल का बंदोबस्त करे, वो अपना टैक्स कलेक्शन कर सके, और जो ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी टैक्स है वो हम लोकल बॉडी निज़ाम के हवाले कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि एक तरफ हमें अपना एनएफसी अवार्ड का हिस्सा मिले, दूसरी तरफ से लोकल बॉडी गवर्नमेंट का अपना रेवेन्यू जनरेशन हो, प्रॉपर्टी जैसा टैक्स का इख्तियार हो। आप हैरान होंगे कि पूरा कराची से हम सिर्फ इस वक्त तकरीबन 1 बिलियन रुपीस कलेक्ट करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स की मद में। मैं समझता हूँ कि अगर आप ये इख्तियार पूरी तरीके से लोकल बॉडी निज़ाम को देंगे और वो अपने इलाके का प्रॉपर्टी टैक्स जमा शुरू कर देंगे, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम हो सकता है, जिससे वो अपने मुकामी लोगों का जो मसाइल है वो हल कर सकते हैं। और बाकी जिस तरीके से हमारा लोकल बॉडी का निज़ाम को, हमारा चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो लोकल पुलिसिंग हो, वाटर्स बोर्ड हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो, ये सारे जो इदारे हैं वो जवाबदेह होंगे अब लोकल गवर्नमेंट काउंसिल्स के, उनके मेंबर्स के। तो ये बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। जो हमने सिटीज़ के लिए निज़ाम अडॉप्ट किया है, जो टाउन्स का तरीक़ेकार है, उससे इतने जो हमारे बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जब उनमें और टाउन्स बनेंगे, फर्दर डेवोल्यूशन होगा, तो उन नुमाइंदों के लिए भी ज़्यादा आसानी हो जाएगा कि इतने बड़ा पॉपुलेशन का शहर को संभालने के लिए। और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला इस निज़ाम से
हम कराची को इंशाल्लाह ताला ज़्यादा डिलीवर करेंगे, और जिस तरीके से हमारा एडमिनिस्ट्रेटर साहब, सिंध हुकूमत और हमारा पूरा पार्टी का जो तंजीमी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो भी कराची के अवाम देख रहे हैं कि 30 साल की जमात की कारकर्दगी एक तरफ और मुर्तज़ा वहाब साहब की 2-3 महीने की कारकर्दगी एक तरफ, वो उसमें आप हमारे गवाह हैं, कराची के अवाम देख रहे हैं कि वाज़े फ़र्क है। और इंशाल्लाह ताला जब वो हमें मैंडेट देंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्टेड निज़ाम होगा, तो इंशाल्लाह ताला फिर हम मज़ीद रिजल्ट्स दिखा सकेंगे। इस वक्त जो मुआशी हालात हैं वो हर पाकिस्तानी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहे हैं, और उनका जो मुश्किलात है हम कम करना चाहते हैं। सियासी सतह पे हम समझते हैं कि जब तक ये हुकूमत रहता है, जब तक ये IMF डील इसी तरीके से चलता रहेगा, तब तक पाकिस्तान के अवाम तकलीफ़ में ही होंगे, और हम पे ज़िम्मेदारी है कि जो उनके ये गलत मुआशी पॉलिसीज़ हैं, जो उनके जिनकी बोझ अवाम महंगाई की सूरत में उठा रहे हैं, उनको एक्सपोज करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फ़र्ज़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़िम्मेदारी है। 10 तारीख को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुल्क भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों अपने अपने इलाके में एहतजाज करेंगे पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत के ख़िलाफ़, और इंशाल्लाह ताला 17 तारीख को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क भर में अपने डिस्ट्रिक्ट्स वाइज एहतजाज करेंगे। हमारा जो गैस का बहरान है उसका भी भर्ती हुई बहरान है, उस पर हम आवाज़ उठाएंगे, और हमारा एहतजाजी तहरीक चलता रहेगा जब तक ये जो मुआशी निज़ाम है इसमें हम तब्दीली नहीं ले आ सकते हैं। और जो हमारा आगे का लाहे अमल है, इंशाल्लाह ताला 27 दिसंबर को गरी खुदा बख्श से हम उसका ऐलान करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं आपके कुछ सवाल का